रविवार को प्रवासी उत्तराखंड यूथ समाज लाइनपार द्वारा श्री गढ़वाल सभा भवन लाइनपार में धूमधाम और हर्षोल्लास से फाग उत्सव होली मिलन और लोक पर्व फूलदेई समारोह मनाया गया। इस अवसर पर होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर ढोलक की थाप पर लोक नृत्य करते हुए फाग उत्सव मनाया। पर्वतीय समाज के सभी लोगों एवं बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से होली के लोकगीत एवं लोक नृत्य के साथ साथ फूलों की होली खेली गई तथा इस अवसर पर महिलाओं द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा नथ पिछोड़ा आदि पहनकर उत्तराखंडी धड़िया व झोड़ा नृत्य किया गया। बच्चों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु समाज के वरिष्ठ एवं गणमान्य सदस्यों द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस अवसर पर एक सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रकाश नेगी, गीताराम देवलाल, बीएस बेस्ट, विकास ममगाई, गोविंद शाही, आनंद सिंह भंडारी, आलम सिंह रावत, अवतार सिंह गुस्साई, चंद्र सिंह असवाल, आशाराम ध्यानी, विनय नेगी, कौशल सुवाल, सत्येंद्र सिंह रावत, सनी नेगी, प्रेम सिंह रावत, सुरजी असवाल, विद्या देवी, आशा नेगी, मनवेश्वरी, काजल बेस्ट, मोना कंडारी, नीटू, पार्थ नेगी, मनोज रावत, मानसिंह नेगी, रणजीत तेजपाल सिंह बेस्ट, नीरज असवाल, गजेंद्र असवाल, नरेन पडालिया, मानसिंह नेगी, जगत सिंह असवाल, आशाराम ध्यानी, आनंद सिंह रावत, श्री आनंद सिंह मेहरा आदि सदस्य सहयोगकर्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोगी संस्थाओं धरा फाउंडेशन, मुरादाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन और यूके स्वेग आदि का आभार व्यक्त करते हुए विनोद भंडारी ने बताया कि भविष्य में अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित करने हेतु इस तरह के महोत्सव का आयोजन सामाजिक प्रेम और सौहार्द के प्रति वर्ष किया जाएगा। आज मुरादाबाद यूथ उत्तराखंड समाज विंग की तरफ से लाइन पार गढ़वाल सभा भवन में निकट से मंदिर के पास एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारा परंपरागत त्यौहार जो हमारा फूलदेई त्यौहार है उसको भी इसमें शामिल किया गया। उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने सबने समाज ने मिलकर मनाया है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से विकास ममगई जी और आपके प्रकाश नेगी जी और आपके विनोद भंडारी जी और उनके जितना भी यहाँ पूरा समाज का हमारा तबका है वो सब बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग तन मन धन से दे रहा है और ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा संचालन और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा, ऐसा हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि हम समाज सब समाज को जोड़ के हम ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। आज हमने होली मिलन समारोह और फूलदेई का जो हमारा लोक पर्व है उसका उस समारोह को बढ़ चढ़ के खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया। बच्चों ने फूलों को देली में अर्पित करते हुए मंगल कामना करी, मंगल गीत गाए, बच्चों ने लोक नृत्य पे नृत्य करा जिसका आनंद लिया और उनको फिर बाद में पुरस्कार वितरण भी किया गया। शुरू कर दीजिए। सभी उत्तराखंड भाई बहनों को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मैं काजल बेस, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है मुरादाबाद में, होली मिलन एवं फूलदेई कार्यक्रम रखा गया है। यह कल्चर को बढ़ाने के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारे कल्चर के लिए थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि यहाँ पर होली सम्मेलन समारोह रखा गया है जिसमें कि सब लोग मिलजुल सकें और यह कार्यक्रम आगे तक चलता रहे, क्योंकि हम अपने उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, इस कार्यक्रम को हमेशा चलता रहे, इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर यहाँ पर डांस झोड़े का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सब लोग मिलजुल कर आपस में इसको हमेशा करते रहें, मनाते रहें, इसलिए हम सब मिलते हैं। धन्यवाद।